Hey guys, good morning and welcome back to the new vlog. So guys, आज की vlogging है कि आज मैं जा रहा हूँ अपने बिहार. तो इसमें जा रहा हूँ मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है, इस वजह से मैं अपने घर जा रहा हूँ. एंड गाइज देखते हैं, चलते हैं. अभी मेरा ट्रेन तो आ चुका है, तो मैं आपसे आगे की डिटेल बताऊँगा कि मतलब मैंने क्यों इतना जल्दी बिहार आया, फिर भोपाल आया, फिर मैं जा रहा हूँ रिटर्न. तो चलते हैं अभी, तो मैं आपको आराम से बताऊँगा क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है. चलो भाई. गैस तो फाइनली मैं लक्ष्मी मतलब रंगना लक्ष्मी बाई पहुंच गया हूँ, जिसको बोलते हैं झांसी. पहले बोलते थे, अब चेंज हो चुके हैं. तो अभी जस्ट पहुंचा हूँ. तो ये सामान सब बहुत ज़्यादा भारी है. एंड गैस बहुत मज़ा आने वाला, अभी बहुत ज़्यादा. अभी कल मैं पहुंचूंगा यहाँ से मैं कल पहुंचूंगा अपने घर पे. बहुत ज़्यादा दूर है एंड नाइट में भी ट्रेवल है. तो मिलते हैं अपन आपको बाद में, ठीक है. सो गाइज तो फाइनली मैं झांसी पहुंच गया हूं. एंड गाइज तो मैं यहां पे बैठ चुका हूं. एंड गाइज बोलना चाह रहा था कि मैं कि 15 डेज से इसे मतलब बोला था मैंने कि क्यों मैं वीडियो नहीं बना रहा था. 15 डेज से मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, जो मैं भोपाल से बिहार गया था क्योंकि मेरे को लगा था कि एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन, इसलिए मैं चला गया था बिहार. फिर उसके बाद रिटर्न मेरे को मैसेज आता है वहाँ से कि क्या हुआ है. तो मैसेज आता है कि वहाँ पे कि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिससे आप वापस आ जाओ. कॉल भी आया था कॉलेज से, तो इस वजह से मैं रिटर्न आया. तो आपने देखा होगा इससे पहले वाली वीडियो में बिहार टू भोपाल. तो इस 15 डेज में, इस पहले वाली वीडियो को 15 डेज हो चुका है आज लगाकर. तो बीच में मैंने वीडियो ब्लॉग करने की कोशिश की, बट मैं डाल नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ 15 डेज था, एग्ज़ाम का टाइम था. कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से प्रेशर था. ऑफलाइन डायरेक्ट कर दिया कॉलेज वालों ने, इस वजह से तो नहीं डाला. अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से. अब कल मेरी पेपर ख़त्म हो चुकी है, तो आज जा रहा हूँ मैं अपने बिहार घर. तो इसलिए कंटिन्यू अब ब्लॉगिंग करेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह. जहाँ तक होता है वहाँ तक इंशाल्लाह देखते रहेंगे. एंड गाइस इससे पहले प्लीज़ सपोर्ट करते रहे एंड मैं आपको प्यार देते रहे. सो गाइस तो अभी झांसी मैं पहुँच गया. पहुँचने के बाद अभी मैं ट्रेन आने वाली है, एक घंटा के बाद आएगी ट्रेन. तो चलते हैं ट्रेन में, आने के बाद तो देखते क्या होता है अपने के साथ, ठीक है. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेन में. हेलो गाइस, तो गाइस तो एक सरप्राइज़ देना था आप लोगों को. अब मुझे भी सरप्राइज़ मिल गया क्योंकि मेरा दोस्त मिल गया. ये भी मतलब किसी और ब्लॉगिंग में अभी पता चला कि ये भी जा रहा है, बट अनंत कपूर इसका नाम है. ये भी मेरे साथ पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में. एंड गाइस हाय बोल सकते हो आप. हाय. सो गाइस तो आप कुछ बोलना है क्या आपको कुछ भी? नहीं, बस बढ़िया से ट्रेवल हम लोग को करना है. साथ में हम लोग मिल चुके हैं, हमको ही पता नहीं था, सडनली हम लोग मिले और हम लोग जा रहे हैं अब अपने घर की तरफ. शायद कल ही पेपर खत्म हुआ है तो उसी खुशी में जा रहे हैं. तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या क्या मस्ती करते हैं अपन लोग. तो फिर मिलते हैं आपको ट्रेन में. चलो भाई. हे गाइस तो फाइनली मैं ट्रेन में पहुंच चुका हूं. बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, गांव जाना एक्साइटेड में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. एंड देखते हैं क्या होता है. अभी तो मैं अभी अंदर हूँ और मेरा सीट जस्ट इसके पीछे है, जस्ट इसके पीछे. तो और यहाँ पे देखते हैं, अभी ट्रेन रुका हुआ, स्टेशन से निकल चुका था बट यहाँ पर रुका हुआ अभी. तो चलते हैं अभी, देखते क्या होता है. मैं तो अकेला हूँ, बाकी जो मिला था अभी तो उन लोग का दूसरे बॉगी में है, क्योंकि वो अचानक पता नहीं था उसके बारे में कि वो भी साथ में है. तो साथ में ही टिकट कराते, साथ में इंजॉय करते जाए, बट वो दूसरी बॉगी में, मैं दूसरी बॉगी में हूँ. तो देखते हैं, अब मेरा बाल भी ख़राब हो गया अभी, तो नींद भी बहुत ज़्यादा है. मैं सुबह लग रहा क्योंकि पूरी रात जगा हुआ था और मैं 5 बजे घर से निकला था, इस वजह से मैं ब्लॉग डायरेक्ट स्टेशन पर ही किया. तो चलो देखते हैं, फिर चलो मिलते हैं. हे गाइस गुड मॉर्निंग. तो आज सेकेंड डे जर्नी है. तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं एंड मस्त
लोकेशन सब मिल रहा है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। आपको मैं दिखाऊंगा ज़रूर घूमने के बाद। ठीक है, तो गाइस अभी 8 बज रहा है, आज ठंडी भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा घूम नहीं सकते क्योंकि भोपाल और ये बिहार में बहुत ज़्यादा ठंड का फर्क रहता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और मैंने सिर्फ एक टी शर्ट एक ब्लैक बंडी पहन के रखा है, बस और कुछ नहीं। तो गाइस अब चलते, अभी 10-11 बजे तक मैं समस्तीपुर पहुँचूँगा, उसके बाद देखते हैं। अभी नाश्ते में तो कुछ खाया नहीं है, बट खा लेंगे अपन, हाथ भी थरथरा रहा है, मोबाइल पकड़ा नहीं जा रहा मुझसे, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ठीक है, चलो भाई। तो फाइनली मैं अपने घर पे समस्तीपुर जंक्शन पे पहुंच चुका हूं, एंड अभी जा रहा हूं मैं घर के लिए। तो अभी वेट करूंगा क्योंकि अभी मेरा टाइम 11:30 बजे ये ट्रेन छोड़ दिया था, और उसके बाद 2:30 या कुछ ऐसा ही 12:30 बजे तक मुझे वहां तक जाना था। 12:30 बजे तक मेरा ट्रेन आएगा दरभंगा के लिए, तो यहां से मैं जाऊंगा दरभंगा। दरभंगा के बाद फिर देखेंगे तो क्या होता है, फिर मिलते हैं अपन, चलेंगे उसके बाद देखेंगे। ठीक है, 1 बजे मेरा ट्रेन आने वाला है, तो 1 बजे के बाद चलेंगे अपन, देखेंगे क्या होता है, फिर पता चल जाएगा अपने को। बरौनी से खुली है ट्रेन 1:30 बजे अभी हुई। ये ट्रेन मेरे को बहुत ज़्यादा लेट कर चुका है, बहुत ज़्यादा ट्रेन मेरा लेट हो चुका है 1:30 बजे तक, अप्रॉक्स 1:30 बजे तक था सही, तो इस वजह से। अगर 11 बजे मेरी ट्रेन छोड़ देती तो मेरा एक ट्रेन पकड़ा जाता वो, मगर चली गई 10 मिनट पहले, अगर छोड़ देती तो चली गई, वो नहीं मिली। करे कोई नहीं, अब 1 घंटा मेरे को वेट करना पड़ेगा इसी स्टेशन पे, एंड स्टेशन का व्यू दिख रहा है आपको, तो मैं आपको दिखाता हूँ व्यू, अगर दिख जाए तो। यह है स्टेशन का व्यू, तो देखते हैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहे अपन, मिल जा आएगी ट्रेन तो आपको दिखाते हैं फिर। चलो भाई, गाइस तो फाइनली मेरा ट्रेवल ख़त्म हुआ था यहाँ पे, एंड ये मेरी ट्रेन थी जो समस्तीपुर से खुली थी। अभी मैं जा रहा हूँ घर, एंड दोस्त लोग आ रहे हैं लेने के लिए, तो अभी जाएंगे दोस्त लोग तो वहाँ पे आएंगे, तो उसके साथ चलते हैं, फिर घर पे मिलते हैं आपसे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, कल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, एंड भीड़ भी बहुत ज़्यादा, तो जल्दी चलें और घर पर मिलते हैं आराम से आपसे। चलो ठीक है, बाय। फाइनली मैं घर पे पहुंच गया हूं, तो अभी देख सकते हो मैं घर पे हूं एंड बेड पे हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था, सर में बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे, तो खाना पीना खा के तो मैं डायरेक्ट यहां पे बेड पे आ गया। तो गाइस यहां पे एंड करते हैं वीडियो को, तो अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, अगर न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो लाइक करो एंड कमेंट करके बताओ कैसी लगी, अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। तो नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून, चलो बाय। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह